वक्त एक और बड़ी खबर। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने हमास पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पेंटागन ने दावा यह किया है कि अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अमेरिका ने भी यह दावा किया है कि हमास के आतंकी अल शिफा अस्पताल से ही इसराइल पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने अल शिफा अस्पताल में हमास के हथियार होने का भी दावा किया है और यही दावा इसराइल की सेना की तरफ से भी किया गया था कि अस्पताल के आड़ लेकर आतंकी ना सिर्फ छिपने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसी के अंदर बेसमेंट में उन बंधकों को ले जाकर रखा है जिनको वो जिस दिन हमला किया था उस दिन लेकर गए थे। 7 अक्टूबर को इसराइल के किसुफिम में हमास ने कई लोगों की हत्या कर दी थी जिसमें 90 साल से ऊपर की महिलाएं भी शामिल हैं, यानी बुजुर्गों तक पर भी उसने रहम नहीं की थी। न्यूज 18 की टीम किसुफिम के उस इलाके में पहुंची है जहां आज भी कत्लेआम के सबूत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। किसुफिम के जिस घर में हम लोग मौजूद हैं यहाँ एक 94 साल की महिला रहती थी, बगल में 90 साल की महिला रहती थी। आतंकवादी यहाँ आए बाहर से, इधर से यहाँ से आतंकवादी आए, आपको दिखा दे पहले, यहाँ से आतंकवादी आए, यहाँ भी बगल में 90 साल की महिला रहती थी, यहाँ 94 साल की, और देखिए यहाँ उन्हें सिर में गोली मारी, ब्लड के निशान अभी भी आपको दिख रहे होंगे। अभी हम घर के अंदर चलते हैं, करम आइए घर के अंदर चलते हैं, इधर देखिए ब्लड के निशान, यहाँ एक्सक्यूज मी, यहाँ आपको ब्लड के निशान दिखेंगे, ये सिर्फ वहीं थी, बगल में जो दूसरे बगल में घर है उनके साथ भी 2 बुजुर्ग महिला को, कुल 8 लोगों की हत्या की आतंकवादियों ने यहाँ, लेकिन इस घर में और घर से सटे इलाके में 2 लोगों की हत्या की गई, खींचा सिर में गोली मारी। एक बार फिर हम घर में एंटर करते और बाहर एंटर करते हैं, आइए देख सकते हैं धमाके लगातार आपको सुनने को मिल रहे होंगे, धमाके की आवाज लगातार आपको सुनने को मिल रहे होंगे, ब्लड स्टेन, ये सब खून के धब्बे हैं, अंदर भी आपको दिखाया और यहाँ इधर भी एक महिला रहती थी 90 साल की, उन्हें भी मारा इस घर में, इस घर में यहाँ 90 साल की महिला, दोनों को आतंकवादियों ने गोली से मार दिया, बगल वाले घर में और इस घर में। देखिए आपको बता दें बुजुर्ग लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए केयर टेकर यहाँ रहते हैं, यहाँ से भी 8 विदेशियों को अगवा किया, बंधक बनाया, 6 विदेशियों को, थाईलैंड के रहने वाले थे, और 8 किबुत्स सदस्यों की हत्या की जिसमें 2 महिला थी, बूढ़ी महिला 90 साल और 94 साल की, और दोनों की हत्या यहीं आतंकवादियों ने कर दी।